अगला दिन है ये, मैं बैठा हूँ अभी बस स्टैंड पे और मैं जा रहा हूँ सिंगापुर फ्लायर पे, फ्लायर की तरफ, वहीं पे है सब कुछ जो भी है। और मेरी जो बस है वो है 133 नंबर की बस है जो गूगल ने बताया है, उसके हिसाब से वेट कर रहा हूँ मैं बस का ही, क्योंकि मेट्रो मैंने सोचा मेट्रो नहीं लेते हैं आज, बस का भी एक्सपीरियंस करते हैं। तो बस का एक्सपीरियंस अब देखते हैं कैसा रहता है, क्या टिकट है बस की बताता हूँ। आधे घंटे से बैठा हूँ, बस अभी तक नहीं आई, 133 नंबर यहाँ पे पढ़ा मैंने चार्ट में लिखा है 15 मिनट तक, 15 मिनट में ऑफ पीक में आ जाएगी। अगर ऑफ पीक का भी लगा के चले हैं 15 मिनट तो हो चुके हैं। अभी मैंने जो ये जनाब खड़े हैं इनसे पूछा कि टिकट कैसे ले सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा कि सब लोग चढ़ रहे हैं, कार्ड लगा रहे हैं और अमाउंट डिस्प्ले हो रहा है उनके, कितना बचा है, और मेरे पास तो कोई ऐसा कार्ड था नहीं। तो उन्होंने कहा है कि कॉइन्स और नोट से टिकट ले सकते हो, बस वेट ही कर रहा हूँ। बस आ गई, सैंड्स होटल के नीचे, और मैं सिंगापुर फ्लायर से तो आगे आ गया, तो मैंने सोचा अब यहाँ आ चुके हैं यहीं का कंप्लीट कर लेते हैं पहले। अब मेरे को ढूंढना है कि ऑब्जर्वेशन डेक जो है यहाँ का, तो टॉप फ्लोर पे है, उसकी टिकट्स कहाँ से मिलेंगी। $23 की टिकट है, और अगर आप सेम दिन परचेज़ करते हैं तो साइट पे तो लिखा है कि आपको होटल की टावर से लेनी पड़ेगी। अब वो टावर नंबर 3 ये वाली है जो मेरे आगे है, इसमें जाके पता करता हूँ कहाँ से मिलेगी टिकट। नीचे जाके टिकट लेने को कहा है, शायद $23 की टिकट। चुका हूँ 56 फ्लोर पे, यहाँ आने में 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगे होंगे लिफ्ट को, और पहला व्यू ये है मेरा। और जैसे एरोप्लेन में होता है कि कान बंद हो जाते हैं, इस लिफ्ट में भी यही हुआ था, कान बंद हो गए थे। वो फ्लोर्स में दिखाने की कोशिश कर रहा था पर सीधा EX लिखा आ रहा था, शायद डायरेक्ट 56 फ्लोर पर आई है लिफ्ट। यहाँ जा खड़ा हूँ मैं, ये है हाईएस्ट पॉइंट अभी जहाँ तक जा सकते हैं, और वहाँ मैं आपको इन्फिनिटी पूल दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो अगर आपको दिख रहा है तो वो है इन्फिनिटी पूल, वहाँ सिर्फ गेस्ट जा सकते हैं। उसके लिए आपको लेना पड़ेगा $300 या $400 का एक रात के लिए कमरा, तब आप इन्फिनिटी पूल को इन्जॉय कर सकते हैं। ट्राइपॉड अलाउड नहीं यहाँ पे, वरना टाइम लैप्स बनाता मैं, और जो जो मेरे को पता है वो बता देता हूँ आपको। वो जो होटल देख रहे हैं वो है पैन पैसिफिक, जहाँ पे उसकी शूटिंग हुई थी हेरा फेरी 3 दे दनादन की, जहाँ शूटिंग हुई थी वो पैन पैसिफिक है। वहाँ पे पैन पैसिफिक से मतलब ये वाला होटल जो है ऑलमोस्ट डबल हाइट पे है। यहाँ पे अब मौसम थोड़ा ठीक हो गया है, इस तरफ पूरा सिटी का व्यू मिलता है और उस तरफ पूरा समुंदर का व्यू मिलेगा, तो वो भी दिखा देता हूँ। मेरे पीछे खाने पीने का, यहाँ तो देखना ही बेवकूफ़ी होगी।
मैंने अभी देखा, एक चीज़ देखी थी मैंने, कोक पेप्सी $5 की, 200 रुपये की कोक इतने से ग्लास में, और उसमें भी फिर बर्फ तो डाल ही देंगे, तो इसलिए खाने का तो यहाँ कुछ भी फ़ायदा नहीं है। इंडियंस भी बहुत आए हुए हैं यहाँ पे, मेरे को जितने शहर में नहीं दिखे उतने एक साथ यहाँ पे दिख गए हैं, क्योंकि ये होता है कि हर टूर में शामिल होता है। ये सारे मैग्नेट्स हैं, ये जैसे फ्रिज वगैरह भी आप चिपका सकते हैं, इनकी प्राइस $4 से लेकर $9। ये भी शायद मैग्नेट्स हैं, जैसे कोई $7 का है, मतलब 350-400 रुपये का एक मिलेगा आपको। ये है की चेन्स $7, मतलब 350-400 के की चेन, 350-400 के मैग्नेट। कोई लेना चाहता है तो ले सकता है, मैं तो नहीं ले रहा हूँ अभी। वो जो मेरे नीचे देख पा रहे हो गार्डन्स बाय द वे, मतलब उसमें है क्लाउड फॉरेस्ट और एक गार्डन है, मैं तो वहाँ नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। और उसकी टिकट है शायद $30 की दोनों की कम्बाइंड। सिंगापुर फ्लायर पर भी अब जाने का मन तो है नहीं, क्योंकि ये इतनी हाइट पे है तो वहाँ जाके क्या करेंगे, वो 30 फ्लोर होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ये तो 56th फ्लोर पे हम डबल। से एक अट्रैक्शन दिख रही है वो सिंगापुर का स्टैचू, मैरीलाइन स्टैचू कहते हैं शायद उसको, अभी आपको दिखा देता हूँ यहाँ से कहाँ से दिख रहा है। मैं मैप में ढूंढने की कोशिश कर रहा था पर मिल नहीं रहा था मेरे को, यहाँ खड़ा हूँ तो एकदम से दिख गया वो, बिल्कुल छोटा था, अभी दिखाता हूँ। करनीरा जाने का मन तो कर रहा है, यहीं बैठा रहा हूँ, $23 पूरे वसूल हूँ, मेरे को आए हुए होंगे 20-25 मिनट, इतना ही टाइम लगेगा यहाँ पे तो 20-25 मिनट या फिर 30 मिनट ज़्यादा ज़्यादा। चलते हैं अब यहाँ पे, और क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं।